This show is presented by नया लाइफबॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश अब विटामिन्स के साथ ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में एंड पावर्ड बाय 70 साल से ज्यादा आपके भरोसे और एतमाद का नाम हिमानी अ नेचुरल लाइफस्टाइल सॉल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम, मैं शोएब अख्तर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो पावर्ड बाय हिमानी ओनली ऑन उर्दू फ्लिक्स पे। लेकिन बहुत सारी बात होती है, हमारी फीमेल स्टार कहाँ हैं, फीमेल स्टार किधर हैं, फीमेल स्टार इधर हैं। जो मैं बुलाने जा रहा हूँ वो फीमेल स्टार्स भी हैं, मछले रा भी हैं, इनपावर्ड औरतें भी हैं और इसके साथ साथ कामयाब जिंदगी गुजार भी रही हैं और वही हमारा फेस ऑफ पाकिस्तान है। सो लड़कियों कहीं नहीं जाओ, इधर आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, क्योंकि ज्वेरिया खान और रूज मुमताज हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में। आइए वेलकम। आइए बैठिए 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 बैठिए। गुड टू हैव यू ज्वेरिया, गुड टू हैव यू रूज। Thank you very much, first of all, pleasure. Playing cricket. Well, of course. Javeria? Ji, sir. Thank you very much for playing cricket. Thank you, sir. At least we have some stars that we can say, yaar, ye hai hamari khawateen, who actually can go out there and be our role model. And role model aap bani. Aruj and Mumtaz, aap se sawal karenge. Similar sawal hai, saare poochte hai, kaise start kiya, kyun hua, aur... ये पूछते हैं यार कि मुश्किलात क्या आई, वो आई, वो छोड़ें, वो सारे ये टिपिकल थके हुए सवाल हमने नहीं पूछने। ये बताएं मूड क्या था जब आप क्रिकेट में इंटर होने लगी थी और कहा भाई जी हार्ड जॉब पर है, हम आ गए हैं, छा छू जाएंगी। ज्वेरिया पहले आपसे। मेरी तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, बताइए। मैंने ना क्लासेस बंक करने के बहाने में गई हूँ, वरना मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। इकोनॉमिक्स की क्लास थी, वो टीचर बोरिंग थे, तो ट्रायल्स का आया पैगाम, मैं गई ट्रायल्स देने, फिर पता लगा मैं खेल। अच्छा, बंक करने के साथ कोई लिफ्ट देता था आपको कि जहाँ तक जाने? नहीं नहीं, वो एक उस टाइम पे जब स्कूल में एक वैन होती थी उसमें आप जाते थे, फिर मैं ट्रायल्स देने गई, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर खेलते खेलते जब इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो फिर शुरू कर दिया। तो बंक करने से आप ये सुन ले ज्वेरिया के वालदैन, ये बंक कर, सारा पाकिस्तान सुन ले, बंक नहीं करना, बल्कि कि आपने इजाज़त देनी है ख़वातीन को, आपने स्पेस देना है, स्पेस क्रिएट करनी है हमारी ख़वातीन के लिए कि वो बंक ना करें। बट बंकिंग इज़ वेरी गुड थिंग। वैसे भाई तो मैंने कभी बंक नहीं किया, मैं टैलेंटेड थी, मैं बंक करना अफोर्ड कर सकती थी। तुम टैलेंटेड थी, तुम बंक कर सकती थी। हाँ। मैं इससे नहीं कर सकता, मैं नालायक था, ये कहना चाह रही तुम? आपने खुद कह दिया, मैं क्या कहूँ। ओह चला जी, एक नया एपिसोड शुरू हुआ। ज्वेरिया आई लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ योर्स। अरूज, अरूज का अरूज कैसे मिला? अम्मा बने दिया। कैसे यार? ये तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट आई थिंक उनको नाम पसंद था, उसका एक मतलब ही इस तरह आपको मालूम है उरूज का मतलब है, तो और थोड़े बहुत शायद काम भी कर दिए ऐसे, तो आई थिंक सब कुछ मिला मिलू के सही हो गया। तो अरूज, जब अरूज पे पहुंच गई तो फिर कैसा फील हुआ, कैसा लगा यार कि यार आई डन इट? मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, ज्वेरिया भी पढ़ी लिखी हैं, वो कह रही मैं लाइक भी हूँ, मैं नालायक हूँ, आप पढ़ी लिखी हैं, मैंने आपके साथ काम नहीं किया अभी तक, आप क्योंकि इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलती हैं, so meri english is the really bad to i really the don't agree you really don't agree i really the don't agree why behtareen english bol lete hain really borrowed hai sari sabki borrowed hai main bol bol ke behtar ho jati hai tum to college wale school university university gayi ho wo thodi si pad li thi hum to university chhodne jaate the inhone bunk ki thi inhone aap matlab mujhe zarurat nahi thi itni padhne ki self proclaimed talented star hai na ye born star born acha mujhe bataiye ki behan bhai kitne hain aapke मेरे तीन, आई एम दी ओल्डेस्ट, एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। और डैडी थी घर में आप? हाँ। जी डैडी जी, इन्होंने भी टीममेट कह रही है, सही कह रही है। क्या क्या करती थी आप भाई? ज्वेरिया हाँ, इनसे चले डन। मैं कुत्तारों को बड़ा भुगता हूँ। ज्वेरिया क्या करती थी? बॉसी। बॉसी मतलब इन टर्म्स ऑफ कैसे? करो तो करो, नहीं करो तो क्यों नहीं किया? अच्छा,
लेकिन ये तो जोक है। I'm not gonna put up with the nonsense that you guys are putting up here. No dramas, no nothing. उस टाइम तो हमें इनकी इंग्लिश भी समझ नहीं आती थी, तो ये भी ज़्यादा एडवांटेज था। तो आप पंजाबी भी जान सकते हैं। ये सिर्फ बकवास कर रहे हैं, सही ना? समझ इनको पूरी आती थी, करना नहीं होता था ना भाई, फील्डिंग कर लो। अच्छा। मतलब फिटनेस का सेशन है, कर लो। नहीं? आपके फिटनेस सेशंस होते क्या थे मुझे बताइए। इसे जब मैंने खेला, जवेरिया ने भी कुछ टाइम बाद डेब्यू किया था, हमारा अच्छा सेशन होता था, लाइक प्रॉपर फिटनेस, हमारे जो फिटनेस टेस्ट भी होते थे, सेशंस बाकायदा होते थे, फील्डिंग के सेशंस होते थे। वो अलग बात है कि हमने क्रिकेट नई नई शुरू की थी, स्किल वाला जो आपका कंपार्टमेंट था वो हमारा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ था, बट एज अ जनरल क्रिकेटिंग अंडरस्टैंडिंग के लड़कियों को किस चीज़ की ज़रूरत है वो काफ़ी अच्छी थी। ये ज़रूर है कि हमारे बहुत सारे मुख्तलिफ कोचेज़ आए, जिसकी वजह से एक अप एंड डाउन ग्राफ रहा प्रोग्रेस का, और आपने बड़ी मुल्कों से कम कम खेला, तो शुरू शुरू में थोड़े ऑब्स्टिकल्स होते थे बहुत दफ़ा। तो एक अंदर की कहानी है, पता नहीं कितनी लोगों को बुरी लगेगी, लड़कियों को बुरी लग जाएगी, बट आई एम सॉरी, मतलब बहुत दफ़ा हम लोग अपने कपड़े भी शुरू में खुद धोते थे, काफ़ी टाइम really? काफ़ी टाइम really? तो उसमें अक्सर हम उसी को 2004 and 5, very early on, very early on, in the inception years, very inception years. Till the time I came, तब भी ऐसा था, 2000, till 2009-10 तक तो था ही। नहीं नहीं, ज़्यादा हो गया। यार मैं भाई 2008 में। तुम्हारे कपड़े ज़्यादा होते हैं। फोर मुझे ख़ाब में थोड़ी आया। कपड़े ज़्यादा लाते थे घर से। नहीं, बट उसमें ये होता था कि शुरू शुरू में हम मुरीदके में ठहरते थे, तो वहाँ पर फैसिलिटीज थोड़ी कम होती थी, बाहर था शहर से। आपको छुपा के खिलाना, टेंट लगा के खिलाना। And it was the need of the hour also, थोड़ा सा कि वो आप इनक्लोज सिक्योर एनवायरनमेंट में खेले, which is absolutely fine, but ये होता था कि कपड़े चूंकि खुद धो रहे हैं, तो अक्सर हम अपने फिटनेस ट्रेनर से बोलते हैं कि आज का सेशन हो गया। हाँ, हो गया। जो ये हमने बस ये सेशन हो गया हमारा, मतलब लाइन से, इट्स ऑल पार्ट ऑफ द फन, इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड मैच्योरिंग, बट ऐसे भी सेशन हुए हमारे। और जो कैट फाइट्स होती हैं वो होती थी ज्यादा आपके टाइम में? बिल्कुल थोड़ी बिकरिंग शिकरिंग थोड़ा बहुत तो चलता ही है, लेग पुलिंग होती रहती है, लेग पुलिंग होती रहती है, ऐसे हमारे कुछ कैरेक्टर्स थे और हैं भी टीम में। अच्छा, नेम वन। पुराने जमानों में कांता थी, कांता जलील, वो तो बहुत जबरदस्त कैरेक्टर थी, और अभी भी काफी, मतलब अब आप बताते हो आपके जमाने की थी, तेज तेज बॉलिंग, तेज बॉलिंग करती, तो वो, और आई थिंक उनके आइडल भी शायद आप ही हैं, तो वो उनको तेज बॉलिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, थी वो कोई 6 फुट की, बिल्कुल वो आपकी तरह कैरेक्टर था उनका, सॉलिड। आप मेरी तारीफ कर रही हैं या क्या कर रही हैं? नहीं, कांता की मैं तारीफ ही कर रही हूँ। अब आपको क्यों डाउट है अपने पे? नहीं, मैं क्योंकि रेपुटेशन ऐसी बनी हुई है ना, डाउट रहता है हमेशा। अच्छा, मैं भी इतना अच्छा था। एनीवेज, मुझे ये बताइए कि आपके बहन भाई, आपकी फैमिली आपको कैसे इजाजत दी, क्या हुआ कि आपकी स्टोरी कैसे शुरू होती है, कि बहन भाइयों ने, माँ बाप ने किसने इनकरेज किया कि जाओ बेटा जाओ, सिमरन जाओ, जीलो क्या? वैसे तो मैं पठान हूँ और मैं ट्राइबल बैकग्राउंड से आती हूँ। कौन सा ट्राइब आपका? तोरगर कहते हैं पश्तो में उसको, कहते हैं तोरगर, और इसका मतलब है काला ढाका। उर्दू में उसको कहते हैं काला ढाका। मैं वहाँ से हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी हिंड्रेंसेस नहीं थी, हर जगह से सपोर्ट थी, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। दो मैं CA करना चाहती थी और आई एंड अप डूइंग BA बिकॉज इन क्रिकेट यू कैन जस्टिफाई बोथ क्रिकेट एंड स्टडीज एट द सेम टाइम। हेलो, आपका कुछ होगा लिंक शिंक, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मतलब क्या लिंक शिंक? तो यूनिवर्सिटी को तो गई है ना, प्राइवेट इदारे छोड़ते ही नहीं है, या तो आप पढ़ाई कर लो। मतलब आप कहने मतलब डिग्री जाली इनकी? करूंगी, मैं सोचूंगी इस पे। आपको 2.4.1 एपिसोड करना पड़ेगा इसके फॉलोअप के लिए। बहुत मुश्किल होता है क्रिकेट के साथ स्टडीज। अच्छा, मुझे फर्स्ट ईयर मुझे किसी ने देखा तो फिर नहीं देखा, फिर नहीं देखा, फिर फर्स्ट ईयर में किसी ने देखा तो फिर मुझे 12वीं क्लास में, सेकंड ईयर में उन्होंने कहा पढ़ाई कर लो, तो मैंने कहा जी कर लेता हूँ, क्या पढ़ा, लेकिन तब तक मैं स्टार बन चुका था, मैं 99 का वर्ल्ड कप खेल चुका हुआ था, मैं आगे निकल चुका हुआ था, तो उसके बाद मैं कॉलेज गया, तो मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच गाइस, लिसन, पढ़ाई तुम लोगों के लिए, मेरे लिए ना दुनिया ज़रा फ़र्क है, अगले महीने इंजर्ड, टीम से बाहर, बैक टू द स्क्वायर वन, उन्हीं दोस्तों के साथ समोसे वही पकौड़े, यार मुझे माफ़ कर दे, थोड़ा सा हेडपति में एटीट्यूड आ ही जाता है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। आपके साथ वो कौन सा बेस्ट मोमेंट था जवेरिया, जहाँ पे आप यू फील वेरी प्राउड? एक तो पाकिस्तान खेलना, ये तो वेरी प्राउड मोमेंट ना कि आप बिकम अ स्टार ऑफ पाकिस्तान, बट अगेन उसके अलावा कौन सा मोमेंट कहती हैं यार दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ? एक तो मैं आई थी एज अ प्योर ऑफ स्पिनर, ओके, लेकिन ICC डिडंट लाइक माय एक्शन, ओके,
तो मैं बैन हो गई। ओके, लाइक मी। फिर वो जो ट्रांजिशन था वो मेरे लिए बहुत टफ था, और फिर वहाँ से एक ओपन बैटर बनना, उस फेस पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने कि जिस तरह से मैंने जिस तरह आप लड़ी हो। हाँ, क्योंकि बैटिंग नहीं आती थी, तो फिर वो सीखना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना, उसको करना, फिर एक प्योर बॉलर से बनने का। और उसके बाद इट वाज माय मदर हु टोल्ड मी कि इस टाइम के लिए तुमने सीए छोड़ा था, तो शी मोटिवेटेड मी, तो वहां से फिर मैं शुरू हुई। तुमने सीए छोड़ा है, अब तो तुम खेलो, अब तो खेलो। पठान दिमाग टर्न ऑन, चलो जी लग जाओ। मैं इसको ठीक भी पठान दिमाग ही कर सकता, ये ऐसे नहीं संभलती। पठान जीनियस भी होता है, जीनियस ही होता है, ये बात भी ठीक है। मेरे ख्याल में दुनिया की मोस्ट टैलेंटेड कौन, पठान है या बंगाली, से मेरे ख्याल में बहुत ही टॉप क्लास के। इस बात ने साबित कर दिया बहुत लाइक है, अगर ये थॉट है आपकी तो आप, मेरी थॉट भी है और आपने भी बंक फिर इसी वजह से किया। इट्स ओके, आई गॉट इट नाउ। नहीं, मैं बिलीव करता हूं क्योंकि मैं थोड़ा अंदर से खुद पठान हूं ना। थोड़ा नहीं यार, यार नहीं, मैं इंटेलिजेंट भी तो हूँ ना यार। अच्छा, मुझे बताओ, बैट्समैन को आउट करना हो तो इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है ना? मुझे स्टडी करना पड़ता था, मुझे डराना पड़ता था, खाली ओरा तो नहीं था ना यार, स्टडी भी तो करना है। बॉल थोड़ी फेंकनी है, थोड़ी बॉल थोड़ी फेंकनी है। बट एनीवेज, बट मुझे ये बताइए कि व्हेन यू बिकेम अ पार्ट ऑफ, इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम, तो आपने कभी झगड़ा किया इस बात पे? और करना भी चाहिए था आपको, मेरा ये ख्याल है, सवाल है यार, हमारी सैलरी इनसे क्यों कम है? बिल्कुल, हमें तो सैलरी मिलना ही, मुझे तो सैलरी मिली नहीं ना कभी। मैंने 2004 से खेला, 2010 तक मुझे तो कोई सैलरी नहीं मिली, क्योंकि उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट्स थे। अच्छा, और वजह क्या होती थी इस चीज? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उस वक्त तक विमेंस क्रिकेट को बोर्ड ने ही उतना सीरियस नहीं लिया था, उतनी वैल्यू नहीं दी गई थी विमेंस क्रिकेट को। आई कैन अंडरस्टैंड, और कैसे क्या थे वहां तक, और विमेंस क्रिकेट दूर भी इतना होता था कि किसी तक पहुंचने में भी बहुत टाइम लग जाता था। तो गेस करें हमारी डेली 2010 में कितनी होगी एक दिन की? 1000 रुपए 500 थी। अगर बॉलर को कोच कह देता था चौथा ओवर कराओ तो वो बैठ जाती थी कि 500 में इतना ही होता है। एब्सोल्युटली कहते 500 में इतना ही होता है बस। यार जवेरिया, तुम मैं ना बिल्कुल एक जैसे ही। अच्छा, हां, मैंने पीआईए से कहा था 500 रुपए देते थे मुझे, 92 की बात कर रहा हूं, तो 93 में मुझे ट्रायल हुआ, तो मुझे 500 रुपए देते थे, कहते थे यार कि जाके तेज बॉलिंग करो। मैं क्या 500 रुपए में तेज बॉलिंग होती? बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती, होती नहीं है। होती जो है वो इसलिए होती है कि भाई पैसे लगाओ, जीरो और लगा दो आगे। सो आप क्या अपने, डिड यू फाइट फॉर योर राइट्स कि यार हमारे पैसे बढ़ाओ, हम भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना ये जेंडर इंपॉर्टेंट है? ये बात रूज क्यों नहीं समझा पाते आप लोग, जरा आप इसके बारे में थोड़ा वोकल हो जाए जरा। देखिए, वोकल तो खैर बहुत सारे सिनारियोज में, बहुत सारे सिचुएशंस में होकर अब विमेंस क्रिकेट एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप उसको प्रोफेशनल इन पाकिस्तान कह सकते हैं। बट मैंने तो बहुत ही अर्ली ईयर्स में खेला था, पीसीबी के अंडर क्रिकेट शुरू हुई थी 2005 में, तो वहाँ पर जो है आपको ये सारी फाइट्स लड़नी पड़ती थी कि पहले हमें ग्राउंड ही दे दो, हमें बल्ले और बॉले ही दे दो, कोच दे दो, ट्रेनर दे दो। तो उस वक्त तो यही लड़ाई थी आपकी कि किट हमें कोई ढंग की दे दो। तो उस वक्त ये लड़ाइयाँ होती थी कि डेली अलाउंस को ऐसा ऐसा बढ़ाओ, कॉन्ट्रैक्ट से बहुत दूर की बात थी, फ्लाइट्स बेहतर कर दो, वो भी दे दो। तो बेसिक्स, तो उस वक्त मैं जिस वक्त खेली हूँ उस वक्त तो हम बेसिक्स के लिए ही लड़ते थे। उस वक्त तो सेफ ग्राउंड ही ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, तो हमें पता नहीं कोई थर्ड फोर्थ ग्रेड सिटीजन वाले ग्राउंड मिलते थे शुरू में खेलने के लिए। थिंग्स बिकेम बेटर, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और अब कैसा है जवेरिया अरुज, अब कैसा है? अब तो काफ़ी बेहतर है, इट्स गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन, स्टिल अ लिटिल स्लो, लेकिन उस तरफ हम चले गए हैं, तो अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, पहले से तो बहुत बेहतर है। और ये चेंज आया एशियन गेम्स में, जब गोल्ड मेडल हमने लिया तो फिर हमें रिकग्निशन मिलने लगी, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरह। भाई किसी की मेहनत होती है फल कोई खाता है, लेकिन आज की लड़कियां ये मत भूलें जवेरिया और अरुज ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है। बेस सेट की थी, बेस लाइन सेट की थी, और इसके साथ साथ ये बेस बनते बनते स्ट्रगल उन्होंने बहुत की, लेकिन हमारी स्ट्रगल का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक, द लाइफ बॉय प्रेजेंट द शोएब अख्तर शो 2.0, और 2.0 में 2
2.0 प्लस पावर्ड बाय हिमानी। हिमानी हमारा लार्ज वाइड ब्रांड है जी, 75 सालों से खिदमत कर रहा है और करता रहेगा। वाइड रेंज ऑफ परफ्यूम्स भी बनाए हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी बनाए हैं, ये मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, करना भी चाहिए। लेकिन हमारे पास हैं सिर्फ अक्लमंद खातून, नकल हम करेंगे, अकल आप दिखाएंगी। अकल या नकल, आपके पास बोर्ड है हाथों में उठा लीजिए। चले जी, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने ठीक ठीक जवाब लिख के मुझे सामने कैमरे कैसे करके दिखा देना है कि ये जवाब ठीक है कि नहीं। यस मैडम, भाई इन्होंने जितनी बंक किया तो ये चीटिंग ना करें बस। ओहो, शी इज नॉट अ चीटर। ओके, अरूज मुमताज, शी इज नॉट अ चीटर। मलाला यूसुफजई ने नोबेल प्राइज, या अल्लाह नोबेल प्राइज का इनाम कब जीता था, 2014, 2000 में या 99 में? अपना आंसर हमें दिखाइए। 2014 अकल के साथ ये जीती गई है, मलाला यूसुफजई इज नोबेल प्राइज विनर ऑफ 2014 ऑब्वियसली। अच्छा जी, वो कौन सी पाकिस्तानी एक्टर थी जिन्होंने रेस में काम किया था? ओके, नो आंसर है महवेश याद, सबक कमर और मायरा खान। नकल, नकल मार रही है रूज नमताज। सबक यू, सबक कमर, हाँ वही थी, इधर देखो, वही थी बेटे, इधर देखो। मुझे नहीं पता, तो इतना शो वैल्यू हो समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ टाइम, मायरा वाज इन द रेस यार। सर बहुत, शाहरुख खान की फिल्म कैसे मिस कर सकती है? शाहरुख खान की तरह आप डिंपल नहीं पड़ते, अब हंस के दिखाना, वो तो है साइड वाला, वो तो है, दोनों है। शाहरुख खान प्लस टू मुमताज, अरूज मुमताज हमारे पास। अच्छा मुझे बताइए, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर जो मैनचेस्टर कहलाया जाता है, रावलपिंडी, गुजरांवाला या फैसलाबाद? अकल या नकल की जरूरत थी यहां पे हमको, और दोनों खवातीन दिखाना चाह रही हैं, ये है रावलपिंडी। 100% ठीक जवाब दिया आपने। जवेरिया क्या कर रही हो, तुम्हारा जवाब ठीक है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। उसको नकल कराने के लिए मैं कर रही हूँ ना, ये तो मैंने तुक्का मारा था। फैसलाबाद सही जवाब, सही जवाब है, मैनचेस्टर जी हाँ, और पाकिस्तान। यस, ओ, तो आपने ऐसे मुझे कहा, हाँ ये बीए से सीए हुआ है ना, चलो कोई नहीं, टू ऑल हो गया। नहीं, सीए से जो बीए हुआ वो ही उल्टा, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। वैसे आपने मेरी इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया, थैंक यू। मैनचेस्टर पाकिस्तान में, मैनचेस्टर पाकिस्तान से कहा जाता है, वो फैसलाबाद है। कब सुना? इंडस्ट्री वहाँ है, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन बहुत वहाँ पे हुई है, इसलिए कहा जाता है। आप मूवी न्यूयॉर्क साइड, यू नो, यू बीन देयर? मैं तो न्यूयॉर्क साइड जी, हैव यू बीन देयर न्यूयॉर्क साइड? नो नो, आई हैव नेवर बीन देयर। नेवर बीन इन मैनचेस्टर? यस। यू प्लेड देयर? यस, आई प्लेड देयर। यू प्लेड देयर? ऑलराइट। 99 में सेमीफाइनल चार टीमों के दरमियान खेला गया था, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। वो कौन से चार सेमीफाइनलिस्ट थे जो 99 में सेमीफाइनल खेले थे? अभी तो आपने बताए हैं चारों। मैंने चार बताए, चार सही नहीं बताए। आपने कहा 99 में इन चारों ने सेमीफाइनल खेला था जी, तो आप कह रहे हैं 99 में किसने सेमीफाइनल खेला था जी? आप बताए ना, किसने खेला, किसने क्रॉस में, किसने किसने खेला, किस किसने खेला था? तो इन्होंने चार तो बता दी, वो पूछ रहे मैच किस किस के हुए थे आपस में। ना ना ना, तो वही चार जो आपने तो बोले। इंडिया कहाँ खेला था सेमीफाइनल? नहीं खेला ना, तो आपने नहीं बताया। आप गलत जवाब दे रहे हैं ना। कौन सी टीम थी? आपने तो इंडिया बोला ही नहीं। तो मैंने इंडिया बोला है। आपने चौथी टीम कौन सी है? आपने चार क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, चौथी टीम कौन सी थी? आपने अफ्रीका बोला। हाँ, आपने इंडिया बोला, इंडिया, पाकिस्तान बोला, आपने ऑस्ट्रेलिया बोला, आपने चार नाम दे दिया हमें। चार कौन सी टीम? आपने बोला ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कॉम्बिनेशन इंडिया और पाकिस्तान। किस किस सही फाइनल था ये बताना पड़ेगा। किस किस सही फाइनल था? ओके, अभी बताती हूँ, गूगल नहीं करना। अच्छा, सेमीफाइनल गेम बताने ना। हाँ, कि किसने किससे खेले थे, जल्दी बताओ, नाम भी बता दो। अच्छा, ऐसे बता दो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? नहीं, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, यही मैं कहना चाह रही थी। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। न्यूजीलैंड कहाँ गया? आपने न्यूजीलैंड पांचवा नाम बोला था बाद में, बहुत कंफ्यूजन। आपने पहले हमें चार नाम दिए थे, ये हम एपिसोड रिपीट पे निकाल के देखेंगे। मैंने दो बात, देखो और कोई कंफ्यूज करना हो
बातों में उलझाओ, मगर हम नहीं उलझे क्योंकि आपने हमें चार नाम दिए थे। अच्छा चले, फिर आपने न्यूजीलैंड भी ऐड कर दिया। अच्छा मुझे बताएं, दो सेमीफाइनल में से दो टीमों पर कौन सी आई थी? जो जो दोनों ने फाइनल खेला था जी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल हुआ था। अरे पाकिस्तान था, क्या हो गया खुदा को मानो। 99 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान जी, या सब सारी मैचेस की हिस्ट्री थोड़ी याद है, गूगल किस दिन काम आएगा। शायद इसलिए बोर्ड आपको सीरियसली ले रहा है, इतनी कंफ्यूजन। नहीं सर, हमने देखिए मैं तो क्लियर थी, में जो चार टीमें खेली उनमें जीत के फाइनल कौन खेला था? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। क्लिपिंग नोट कर लीजिए, अरुण मुमताज हमारी निदा यासर बन चुकी है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी। नहीं, पाकिस्तान 99 में ऑस्ट्रेलिया किसके साथ खेल रहा था? आपको भी कंफ्यूज कर दिया। नहीं, इंडिया के साथ। इंडिया के साथ हमें याद, सारे तो मैच नहीं याद होंगे ना क्रोनोलॉजिकली, नहीं होते इतने सारे फाइनल में हम लोगों ने इतने सारे कवर किए। अभी सारी याद कवर ना करो, हो गया। अच्छा, ये थी हमारी जवेरिया और ये थी हमारी अरुज मुमताज, बहुत ज्यादा अकलमंद हैं और दोनों ने ही माशाल्लाह सही तरह पूरी तरह ऑनेस्टली गलत जवाब दिए हैं। अरुज का एक स्कोर ज्यादा है, लेकिन अरुज ने जो ब्लंडर किया है वो हमारे सीजन की बन गई है निदा यासर। लेकिन आप कहीं ना जाइएगा, आप यासर मत बनेगा, कहीं ना जाइएगा, यहीं रहेगा। टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक, द लाइफ बॉय प्रेजेंट्स शोएब अख्तर शो। अब हमारा नया सेगमेंट जिसमें हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे तीन चीजें और आपने हमें ये बताना है ये गाना कौन सा है, गेस द सॉन्ग, दैट्स ऑल जी। मैडम दिखाई स्क्रीन पे पहला गाना कौन सा है, गेस द सॉन्ग, पहला गाना। हम दोनों फ्लॉप। अच्छा जी, इसमें पड़ी हुई है एक आदमी है, एक चीज को घुमी हुई है, एक है ख्याल। कभी कभी ख्याल बोला ना, ये जवेरिया का डोमेन है। जेरी अब वो समझ आ रहे, ये पाकिस्तानी फिल्मी गाना है, कितना पुराना है। अहमद रुश्दी साहब है, लेजेंडरी। शुरू वाला लफ्ज तो बताएं। वो देखो वो मेरे ख्यालों में, वो देखो लिखा हुआ पीछे। हाँ मुझे आ गया। गाना कौन सा था? मेरे ख्यालों में। ये गाना भी बहुत अच्छा गाती हैं। रत्नत वाली सी, नाजुक सी, शर्मीली सी, मासूम सी, भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, लता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना। यस। ओके। ये कोको पाउडर था, कोरीना नहीं था। जी अगला गाना चलिए जी, आइए गेस द न्यू सॉन्ग, आंख समंदर और दिल। हुई 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 हुई। आंख समंदर और दिल। ये था बड़ा फेमस गाना, बड़े आशिक रोए इस गाने पे। आपके भी कोई आशिक है जो रोए आपके? गाने पे ध्यान दो। अच्छा गाने पे ध्यान दो, गाने पे ध्यान देता हूँ, गाने पे ध्यान देता हूँ। ज्वेलिया ने शट कर दिया। ये था राहत फतेह अली खान का गाना यार, वो अभी क्या था वो? नहीं 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 नहीं, नॉट दिस वन प्लीज। आंखों के सागर। चलो नेक्स्ट सॉन्ग, चलो जी दोनों से, कुंडी दरवाजा और ब्यूटी। व्हाट द हेल, खतरनाक सा गाना लग रहा है। आई डोंट नो, बताएं कौन सा है गाना, सिंगर कौन है? सिंगर है, सोचे, कुंडी दरवाजा ब्यूटी। हम क्रिकेट ही खेलते अच्छे हैं, बस सीधा अंदर आओ, गाना बड़ा फेमस गाना है। कितनी मासूम लड़कियां, कुंडी ना करका। पंजाबी है तो, पंजाबी है, कराची वालों से क्या पंजाबी पूछना। कुंडी ना करका सुने हैं ना, सुने नहीं समझ आया। आसान गाना प्ले किया जाए इनके लिए। चले जी अगला जी, गेस द सॉन्ग, लास्ट वन। चले जी, पाकिस्तान का गाना है, वर्ल्ड कप है, बैट है, फ्लैग है, अब ये कौन सा है? अंग्रेजी गाना है, उर्दू गाना है, वे जीतने पे हो, हम पाकिस्तानी हैं। सीटी बजेगी ना, ए अब वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप हो रहा है। 92 के वर्ल्ड कप का गाना है? नहीं,
हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हम हर जीतेंगे, हर जीतेंगे, हर गुनगुना दे यार पाकिस्तान। चलो जरा गाओ, चलो तुम गाओ, मैं बैकग्राउंड सिंगर। वर्ल्ड कप का माहौल चल रहा है यार, हम हैं पाकिस्तानी, हम हैं पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हाँ जीतेंगे, हर मैदान में, हर तूफान में, हर मुश्किल में जीतेंगे। जी ये था हमारा गेस द सॉन्ग, जिसमें दोनों मिजरेबली फेल हो चुकी हैं, लेकिन हमानी का हमारा वॉटसन यहाँ पे है, ये टाइम पर हमारे पास है। लेकिन इनसे जाने से पहले एक एक सवाल बनता है बॉस, सवाल। अगर आपको पाकिस्तान में 3 चेंजेस करनी हो पाकिस्तान के स्क्वाड में, तो क्या करेंगे यार? इस पाकिस्तान स्क्वाड में 3 चेंजेस करनी हो, कप्तान हटाना हो, लगाना हो, या बैट्समैन रखना हो, या बॉलर रखना, क्या करोगे? इतना मुश्किल सवाल मुझे क्यों दिया? वैसे ही अब तो चेंजेस का टाइम नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे, तो वॉट एवर यू हैव बैक देम, और पूरी सपोर्ट के साथ बाद में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। अब हमारा AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉल हमने आपके सामने रख दिया, ठीक है जी? अब ये सवाल करेगा, क्योंकि मेरे सवालों का आप जवाब दे नहीं रही, AI इनसे सवाल कीजिए, क्योंकि ये मेरे सवालों को सही से जवाब नहीं दे रही। पहला सवाल अरुज मुमताज के लिए। इफ यू आर अ कैप्टन, नेम 3 क्रिकेटर्स फ्रॉम एनी जनरेशन यू वुड लव टू हैव इन योर टीम। इमरान खान, एबी डिविलियर्स, शेन वॉन। परफेक्ट, शुएब अख्तर आखिर में कहते कहते रहेगी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट AI क्वेश्चन टू जुवेरिया प्लीज। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी से अपनी लाइफ स्वैप करनी हो तो वो कौन होगा और क्यों? अगर आपको इस सेलिब्रिटी से लाइफ स्वैप करनी हो तो कौन सा होगा? डोंट से माय नेम प्लीज। बिल्कुल जैसे आपने कहा मैं वैसे ही करूंगी। आई वुड स्वैप इट विद इमरान खान। एंड व्हाई? अच्छा, वो इलाका भी करीब पड़ता है ना आपके, कह सकते हैं। कौन से, वो कौन से इलाके के? मियांवाली। मियांवाली और तोरगढ़ दूर है। अच्छा अच्छा, रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनकी जो पेट्रियोटिज्म है, आई लव इट। वो जितने वो सिंसियर है अपने मुल्क के लिए, तो इस वजह से। ऑलराइट, बिल्कुल सिंसियर है, हम भी हैं। और अगला सवाल किया जाए, AI पूछिए अरुज से क्या सवाल है। इफ यू हैव टू मेक 3 चेंजेस इन पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड, व्हाट वुड दे बी? अच्छा जी, मतलब मुश्किल सवाल। ऑनेस्ट जवाब चाहिए हमें। Honest job. Bring Imad Wasim back. In place of? Nawaz. Why? क्योंकि जो इमाद का जो पिछला इंटरनेशनल सीजन गुजरा था, वहाँ से उसकी जो बैटिंग एंड बॉलिंग फॉर्म है, अगर आपने उसको एज ऑलराउंडर यूज करना है, आप उससे 10 ओवर भी निकलवा सकते हो और वो बैटिंग में प्रॉबली नवाज से बेटर है। Second. अब्दुल्ला शफीक स्क्वाड में है कि नहीं है, बट ही शुड डेफिनेटली गो। इन प्लेस ऑफ? एज ए ओपनर। एज ओपनर, ठीक है। ड्रॉप करेंगे? अब ये किसको ले, फखर एज स्टैंड बाय ओपनर एंड अब्दुल्ला गोस। ओप्स, एनीवेज आगे, ठीक है। और तीसरा और कौन हो सकता है? व्हाट अबाउट द कैप्टनसी में बहुत सारी चीजें देखने वाली हैं। क्या? ठीक है ना, थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ेगा। तगड़े नहीं है वैसे, थोड़ा सा तगड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तगड़े डिसीजन ले नहीं लेते वो, कभी-कभार मुश्किल मौकों पे जो है वो आपकी तरह 100 मील पर आ रहे करा देनी चाहिए गेंद ना। अच्छा, डिसीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो। बट तीसरा चेंज पूछा था आपने, कप्तानी कहाँ से आ गई पिच में? मैं वैसे पूछ रहा था, वर्ल्ड कप के अभी रात को तो हम कप्तानी नहीं चेंज करते, तो आप उनको तो बैक करना पड़ेगा। तीसरा उसामा मीर को लेके जाए आप। उसामा मीर, लेग स्पिनर? यस, 100% 100%। कोई एक क्वालिटी स्पिनर हो ना आपकी टीम में, फ्रंट लाइन स्पिनर तो चाहिए। शादाब? शादाब इज ऑलराउंडर ना, कुलदीप यादव टाइप, जैम्पा टाइप, ठीक शाला टाइप, पूरा बॉलर चाहिए ना आपको। वो पूरा बॉलर है तो आपने, अब चूंकि आप उसामा को लेकर चाहिए, सामीर क्योंकि वो टीम के साथ है, ऑलराउंडर। अच्छा, शादाब कैसे? जडेजा? यस एग्जैक्टली, बद्दा सवर करना सीखने पड़ेंगे शादाब। एनीवे, AI नेक्स्ट सवाल। वन क्रिकेटर हू सोशल मीडिया यूज टॉक। एक ऐसा क्रिकेटर जिसको आप सोशल मीडिया में स्टॉक करती हैं। विराट कोहली। Oh wow, really? Stalk him? Yeah, follow him? Stalk क्या होता है? नजर रखना।
बगैर फॉलो किए देखना। मैं नजर क्यों रखूंगी? I don't know, तुम्हारी नजर तुम बताओ। Stock means तुम्हारी नजर तुम बताओ। Stock means like I admire his work ethic. Really? So what he's up to और वो क्या कर रहे हैं, तो मैं इस हवाले से उनको 100%। हाँ मैंने stock गलत बोला, stock तो आपने। तो stock किसको करती है बताना? किसी को नहीं यार। Stock किसी को नहीं किया आज तक? किया है। किसको? मैं अपनी जाती जिंदगी क्यों यहाँ बताऊँ? जाती जिंदगी यहाँ क्यों बताएं? लेकिन आपकी जाती चीज में एक दिन लगाऊं लोगों को, आपका सिग्नेचर, क्योंकि हमारे फैन समझते हैं कि शायद हम भी खेल रहे हैं, हम सिर्फ नहीं खेल रहे, हम जाती चीजें भी देते हैं, जिस तरह मेरा सिग्नेचर है। मैं आखिर में करता हूं, लेडीज गोना बी ऑन द टॉप हेयर साइनिंग द बैट, और यहां पे आप साइन कर दीजिए। जो हमारे ऑडियंस देख रही है ये चीजें, ये बैट साइन जुवेरिया से और रूज मुमताज से आपको मिलेगा, और आप भी हमारे खेल का हिस्सा बन सकते हैं। ये है वो जाती चीज जो जवेरिया और अरूज आपको दे सकती हैं, पाकिस्तान की लीडिंग स्टार, सुपरस्टार्स और मोस्ट एम्पावर्ड वुमन दैट आई केम अक्रॉस, और ईमानी के गिफ्ट हैम्पर्स मैं पेश करूंगा दोनों अपनी खवातीन को, एक जवेरिया के लिए है और एक अरूज मुमताज के लिए है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, एंड हैव दैट, एंड एट द सेम टाइम थैंक यू जवेरिया, प्लीज सिट डाउन, वी आर गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, डोंट नॉट गो Nowhere. Be back in this minute. Bye. Bye. Welcome back. The Life Pod presenting the Shoaib Akhtar Show 2.0, powered by Imani. हाँ जी, हमारा जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने नहीं दिया जाएगा। कुछ सवाल मेरे जहन में थे यार, आराम आराम से पूछता हूँ। मुझे क्रिकेट अचीव कर ली, पढ़ लिया, क्लिनिक चला रहे हो आप, चला रहे हो बिल्कुल, और फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर लिया। फाइनेंशियल पार्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज द फाइनेंशियल पार्ट फॉर द वुमेन? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जी, और फर्दर एम्पावर करता है कि यू नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। बिल्कुल, एक हाउस होल्डर मियां बीवी या बहन भाई माँ बाप, एक सपोर्ट सिस्टम जरूर होता है, बट आई थिंक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको जो एम्पावरमेंट देता है ना, के सेंस ऑफ सिक्योरनेस, वो बड़ी जरूरी चीज है। अच्छा, एक सवाल है मेरे मशर जहन में आता, आप दोनों से है, आप जवाब दीजिएगा, कि जब बंद मर्द पैसे कमाता है वो फैमिली पे खर्च करने की कोशिश करता है, सवाल है आप दोनों से, जब औरत पैसा कमाती है कहती मैं अकेला रहना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट ढूंढता है जब पैसे बना लेता है कि यार मैंने शादी करनी, बच्चे पैदा करने, डिपेंडेंट होता है। ऐसा ये क्यों है फर्क सोच में? वैसे सोचता हूँ एम, देखिए कोई वो मैं सवाल नहीं कर रहा, कि जब मर्द पैसे कमाता है वो खर्च करने का सोचता है, बीवी बच्चों पे, बहन भाइयों पे, शादियों पे, दोस्तों पे, बट औरत जो पैसा कमाती है वो फिर इंडिपेंडेंट होकर सिंगल क्यों रहना चाहती है, ऐसा क्यों है? वैसे कभी ये बात सच है या ये मैं एग्जैजरेशन कर रहा हूं? I don't think इसमें कोई, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इफ आई टेक माय सेल्फ, शी आल्सो अर्न्स इट, बट शी इज लिविंग विद हर हस्बैंड, सिंगल हुई नहीं, बस यहीं पर हूं, और मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मैं ऐसे करूं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी कोई दूर से उड़ती हुई थॉट है, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बट what about the freedom that you talk about, what kind of freedom that you talking about? See, freedom is again independent decision making. Okay, sahi hai na, ke decision making power kisi bhi aurat ko kisi bhi age pe honi chahiye. Yes, 100%. bahut zaruri cheez hai, kyunki aapne usko as a individual value karna hai. Yes, uski bhi ek jagah hai. Yes, theek hai na, mard ki aurat ki apni apni jagah hai, apni apni qualities hai, us cheez ko value karna bada zaruri hai. But ye to islam mein pehle 14 saal pehle rights diye gaye the. Bilkul. तो इम्प्लीमेंट अगर हम नहीं कर पा रहे, तो इसमें लोग क्यों इस्लाम को बुरा भला कहते हैं? सोच, हमारी सोच चेंज करनी पड़ेगी ना, इंटरप्रिटेशन किसी भी चीज़ की वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे ना आपने कहा कि इतने सालों पहले ये चीज़ कह दी गई थी, तो आपने बेसिकली किसी एक इंसान को उसके इंसान होने के लिए वैल्यू करना है, उसको अपनी रिस्पेक्ट देनी है, और देयर इज नथिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। ओके, क्योंकि मैंने अक्सर कहा ये बहुत सारी जगहों पर देखा है, डू यू फील के आपके साथ
डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एट टाइम्स, कि जहाँ पे आप जाते हो जॉब के लिए आपको प्रेफरेंसेस कम मिलती हैं, वो एज अ क्रिकेटर हो, एज अ कॉर्पोरेट जॉब हो, या आप किसी भी शोबे में हो, क्या आपको ये फील होता है ज्वेरिया? कि अभी तो मैं क्रिकेट खेल रही हूँ तो एज सच मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा नहीं इस हवाले से, नॉर्मल लाइफ, हाँ तो मेरा नहीं है इस हवाले से इतना एक्सपीरियंस। अच्छा, इतनी सीरियस आप हो गई हो। अब मैंने आपको पूरे एपिसोड के एंड में अभी सीरियस देखा तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी वो मोमेंटम कैरी कर लूं। अरविंद आप क्या कहती है सवाल का जवाब? नहीं, इसमें तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ग्लोबली उठा के देख लें, एटलीस्ट मैं अपनी अगर बात कर लूं कि फॉर दैट मैटर क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर लें, चलो वो मैं मानती हूँ कि एक थोड़ी सी डिस्पैरिटी है, बट बाकी बहुत सारे जॉब्स हैं, कमेंट्री में आप देख लें। Really? है 100% है, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है, बट तो मेरा एक बड़ा सिंपल सा है भाई, आप उसको काम की वैल्यू पे जज कर लेना, काम की वैल्यू, जेंडर बाद में आना चाहिए, खत्म हो गई बात। तो वर्क फोर्स देख लेना कितनी है, वर्क फोर्स इन ऑफिसेस कितना है, 30-70 का रेशो होगा, 40-60 का, जो बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इक्वालिटी और एम्पावरमेंट को लेकर चले वहाँ फर्क होगा, बट ऑब्वियसली यार इतना सीरियस टॉपिक हो गया, और आई ऑनेस्टली बिलीव अरुष मजवरिया के I'm married, obviously. So my wife is entering into the businesses now. So she's taking care of a lot of many things for me. Family always comes first. But as a nation, we have to understand without women, we cannot be a progressive nation. It's period, simple. Lekin, ek cheez aur hai, agar jo main na karun, to main fast bowler nahi rehta. Rapid fire agar na karun, wo main nahi rehta. तो रैपिड फायर आपसे किए जाएंगे, मुझे जल्दी से बताइए अरूज मुमताज, इतनी सी स्टॉक के बाद यार थोड़ा मजा भी करते हैं ना, ठीक है, वो कौन सी चीज है जिसे जितना भी ठंडा कर लो वो गर्म ही रहती है? 10 सेकंड आपके पास, वो कौन सी चीज है जिसको जितना भी ठंडा करो, की बोलिंग आए गरम मसाला, ओ, मैं गई थी दिमाग क्या पठान वाली बात की थी मैंने, दिमाग पठान वाला दिमाग रहता है। ये हम सेगमेंट खेल रहे हैं लाइफ बॉय की जानिब से, जो 10 सेकंड में आपके 100% जर्सी खत्म कर देता है, लेकिन हम खत्म नहीं कर रहे यहां पे, लेकिन हम ये पूछेंगे ग्रेविटी को उर्दू में क्या कहते हैं? 10 सेकंड आपके पास, अभी आपकी टर्न चल रही है। जी नहीं, अभी आप, मैंने वेल लेफ्ट कर दिया, अब आपकी बारी है, शुरू कर वो बताओ, कशिश कश्मकश नहीं है, मैंने दया से नहीं बनना चाहती, मैंने सिर्फ ये जिस तरह का शो का पैटर्न है उस हिसाब से मैंने चुटकुला छोड़ा बस। कशिश सकल, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपको कश्मकश क्लासेस बंक ना करती तो आज इस सवाल का जवाब आते, मैंने इस प्रोग्राम की नौयत से जवाब दिया था, नॉन सीरियस प्रोग्राम कर रहे हैं, वाओ दैट्स गुड, चलो कोई बात नहीं, कोई दो सॉन्ग जिनमें लव चोरी आता हो वो दो गाने कौन से हैं? Oh no. चोरी चोरी चुप चुप करे। Yes. इन्हीं का डिपार्टमेंट। ये स्टॉक करती है। ये मुझे पता है। दूसरा गाना? चोरी। एक और बताओ लस। एक और चोरी। चोरी चोरी चुप चुप कर और गुलाम अली साहब का गाना है। हंगामा है क्यों बरपा? चोरी तो नहीं की ना? वो लफ्ज़ नहीं कह सकते। चले जाने चले, वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान यूएसए से भी आगे हैं? 10 सेकंड, वो कौन सी चीज है जिसमें पाकिस्तान यूएसए से भी आगे है? क्रिकेट। नो, सच है, वन डे कनाडा और अमेरिका को हो चुका है भाईजान 1.5-2 साल, हम अगर हम रैंकिंग में आ गए हैं ना, नहीं नहीं वो खेल चुके हैं। अच्छा, रन 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 बता रहा हूं जी। बंकर बीबी चलें, बंकर बीबी बताइए वो कौन सी चीज है जो पाकिस्तान यूएसए से आगे है? 10 सेकंड है, पढ़ लेती ना, वहां पे उनका डॉलर सेम रहता है हमारे यहाँ पे ऊपर जाता, पाकिस्तान आगे है, आगे पाकिस्तान है ना डॉलर के रेट में, डॉलर में आगे पाकिस्तान डॉलर में आगे है यूएसए से, ये कह रही है ज्वेरिया खान, बहुत बहुत मुबारक हो ज्वेरिया, आपका सवाल आपका जवाब बिल्कुल गलत, मुझे पता है टाइम, ओ माय गॉड, ये तो टाइम 10 सेकंड में जवाब था, हमें तो बहुत, एनीवेज
Javeria, thank you very much for coming. We've been a great sport. And aapse milke bahut khushi hui mujhe. What a great energy you are. What a great person you are. May God bless you with everything. And may you grow like is there no tomorrow. And galaxy is your limits. Thank you very much for coming. Thank you, sir. Thank you. Aruj, once again, you know, you have represented Pakistan on the highest level. You have spoken really well. I've been watching you. I've been a huge fan of you. I mean, the way you have spoken on the TV and the way you have represented the country, it is immense pleasure. It gives me immense pleasure that you and Zainab are the one who is the most thriving lady to representing Pakistan and making this country go forward. Love you. Thank you very much, both of you, for coming to my show. And aapka bhi bahut bahut shukriya, audience. Aur ye thi hamari empowered, tagdi aurtein. ये है हमारी कौम का एहसास. अगर आप ये पहचान सकें, अगर आप ये जान सकें, तो स्पेस निकालिएगा इनके लिए, इनके लिए जगह बनाइए ताकि आपके लिए दुनिया में जगह बन सके. लव यू ऑल, गुड नाइट. पता नहीं ये कहना चाहिए या नहीं, लेकिन वो बचपन के जितने फैन मोमेंट्स थे ना, ये जुल्फें खुली हुई संजय दत्त वाली, और हमने कभी सोचा था कि दौड़ता हुआ स्लो मोशन में आ रहा है, और मेरा क्रिकेट से जीरो दिल बटा सन्नाटा थी मैं क्रिकेट में, लेकिन मैं स्क्रीन पे हर पाकिस्तानी लड़की की तरह बैठ के खास तौर पे मैच इसलिए देखती थी क्योंकि शोएब अख्तर दौड़ते हुए आते.